नकली किसान है। अब असली नकली का सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए ना, कौन से मंत्री ऐसे हैं जिनको यू पद मिला हुआ कि तुम असली और नकली का सर्टिफिकेट बांटो। कुंभ उत्सव मना रहे हैं, आपने देखा जब इतनी फिकर इतनी चिंता कोरोना हो रहा था, वो क्या इनको कुंभ उत्सव मनाना चाहिए? कुंभ उत्सव मनाने में वो विश्वास रखें, एक तरफ क्या हमें कोरोना फैल रहा है, एक तरफ कुंभ उत्सव मना रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, कैसी इनकी विचारधारा हमारी समझ में ही ना आ रही। कि सपना चौधरी है बीजेपी की, क्या थी स्पोक पर्सन थी ना शायद सपना चौधरी, जिन क्या मैंने नौकरी कर रखी है वो क्या। और दूसरी बात, बच्चे हैं हमारे यहाँ तो ब्याह शादी में नाचा कूद देख रहे हैं, बाड़ा कैसी रहे, इनके यहाँ रोते फिरते होंगे। मेरा शौक है, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं घर में नाचूं कूदूं खेलूं कुछ भी करूं। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं वो क्या थी? कंगना रनौत को सुरक्षा दे दी, वो क्या थी? वो तो इतने बोल्ड बोल्ड सीन दे गई, आपने देखा उनका मन है, उनका शरीर है, वो उसका अंग प्रदर्शन करें, सुरक्षा से प्रदर्शन करें, कैसे भी करें, हम इस पर कौन है टिप्पणी करने वाले, ये लोग कौन है? नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ और आज मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। जी हाँ, किसान आंदोलन के गाजीपुर बॉर्डर पर मैं हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूनम पंडित। डायरेक्टली मैं पूनम पंडित से बातचीत करेंगे, हम उनसे मिलाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी, अ ग्रेट शूटर, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। लेकिन आपको अगर कुछ उनको सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनसे पूछ लूँगी। नमस्कार। ना मैम जी, कैसी हो आप? बस हम ठीक है, आप कैसे हो? बहुत थोड़ी सी अच्छी। थोड़ी सी अच्छी? थोड़ी सी अच्छी। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस थोड़ा पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया था हल्का सा। ओ हो हो, कैसे? कहीं जा रही थी सफर में, पंचायत। अच्छा, तो अच्छा पंचायत कहीं जा रहे थे आप, वहाँ पर हुआ? थोड़ा सा। अब ठीक हो? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन अभी जो हो रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, बहुत सारे बॉर्डर्स पर, लेकिन मैं देख रही हूँ ये आंदोलन का थोड़ा सा जो रुख है वो थम सी गई हुई है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊँ, गाँव में जो ना खेत हो रहे हैं तो आप गेहूँ कट रहे हैं तो वे गेहूँ भी काटने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी मशीन नहीं है ना किसानन के पास, मजदूरन के पास। कुछ तो मजदूर जा रहे हैं जो दूसरों के खेत के काटेंगे, गेहूँ लेंगे, अपनी मजदूरी लेंगे, उस पे जा रहे हैं। कुछ जा रहे अपने खेत काटने, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है ना वो, उनके पास मशीन नहीं है, जो मशीन चलाई फर लिकाट दिया और गेहूँ लिकाट के आ गए, तो इसलिए थोड़ा आना जाना सा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो है माहौल। लेकिन एक बात बताइए, अभी ये जो रुक गया हुआ है मीटिंग सरकार के बीच में, ये कैसे, किस रुक लेगा, क्या कब शुरू होएगा? ये जब ही शुरू होगा जब मोदी जी चाहेंगे, वे तो कह मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी है, तो उस फ़ोन कॉल को मिला मैं तो सही किसी के पास भाई। अच्छा, अभी तक फ़ोन नहीं आया? नहीं, मेरे तो हिसाब से नहीं आया। तो फिर ये कैसा इसका देख रेख होगा? जैसे आंदोलन चल रहा, हम चला रहे 4.5-5 महीने से, हमारे बुजुर्ग चला रहे हैं नेतृत्व में किसान मोर्चा मंच के, और ऐसे ही चलता रहेगा शांति से। तो फिर आपने क्या सोचा है कि किसान आंदोलन को कोई रुक देना, या आपके माइंड में कोई आइडिया ऐसा कुछ है? बिकॉज बहुत जगह पे आप, आपको बुलाया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो आंदोलन का एक जो रूपरेखा हुआ है, सभी मेरे से बड़े हैं जितने भी लोग कर रहे हैं, तो हम तो उनके बच्चे, उनके आधार पर चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, सभी लोग मेरे से सीनियर हैं। बाकी जो अपने जो आगे चुनाव हैं, उस जो अपने वोट की अहमियत समझें, अच्छे लोगों को चुने, ताना सा लोगों को ना चुने, एक बार चुन के पछता रहे ना, दो बार चुन लिए पछता रहे, तो मेरा तो ये मानना। अच्छा, जैसे देखिए आप मास्क नहीं पहने हो, लेकिन मैंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन में जब भी आई हूँ देख रही हूँ मैं, बहुत जनों ने मोदी जी ने बिना पहना हो रैली देखी, अमित शाह जी ने बिना पहना, नड्डा साहब ने ना पहना, तो वो बड़े बड़े मंत्री हैं जो हमारे देश को हमने जिनके हाथ में दिया हो, वे ना पहन रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो रही, तो हम क्या, कुछ जरूरी है पहनना? लेकिन जब बैठे रूल फॉलो करें, बाइक पर जाएं, गाड़ी में बैठे पहन लें, सैनिटाइजर कर लें, और कहाँ करें, वे भी तो नहीं कर रहे। वे तो इतनी पंचायत में सभा में आवे यार, कितने लोग उनके वॉलंटियर्स हों, कितने लोग उनकी सिक्योरिटी में, ठीक वो नहीं पहन रहे। अगर ये तो सब चीज़ नियम सब पे लागू हूँ मैं, तो क्या उन पे नहीं होते? जैसे चालक पे, उस पे ड्राइवर पे, ऑटो वाले पे लठ बजाया गिर गिर के, क्या एक भी रैली में जो सरकार की रैली हो रही है, सरकार की जो हो रही है, क्या उनमें बजाया लठ किसी ने? नहीं बजाया। तो आप लगा सको उनका मन कितना गंगा की तरह पवित्र है। आपने बहुत बड़ी बात बोल दिया, गंगा की तरह पवित्र है।
उनका तन अर्मन गंगा की तरह अगर पवित्र होता हमें जब ही समझ जाना चाहिए। जब आंदोलन की शुरुआत हुई चार आदमी बैठ जाए, पंच जो है पांच आदमी चार आदमी बैठ जावे तो उनका जो सम्मान हो सिरमाथे हो, पूरे देश के बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ उन्होंने उनकी इज्जत नहीं रखी, किसानों की शहादत हो गई, उनके लिए दो शब्द नहीं कहे, तो कितना उनका मन गंगा की तरह पवित्र है दुनिया जाने। अच्छा कल मैं किसी से बात कर रही थी, ये बहुत ही बीजेपी वक्त है तो वो मुझे कह रहे थे जो किसान बैठे हुए बॉर्डर्स पर वो नकली किसान है। अब असली नकली का सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए ना, कौन से मंत्री ऐसे हैं जिनको ये पद मिला हुआ कि तुम असली और नकली का सर्टिफिकेट बांटो, ये पूछ कर दीदी आप कल आना उनसे हर हालत में। पहचान क्या है असली नकली? हाँ कि ऐसा मंत्रिमंडल में क्या अब एक पद और बढ़ गया जो किसान असली और नकली के पद बांटने लगा, स्टूडेंट जो अपने उसके लिए एसएससी वाले बैठे हुए असली और नकली उनके पद बांटने लगा, सर्टिफिकेट बांटने लगा, ये वाली बात पूछना इनसे। जी अच्छा कल सिंगू बॉर्डर पर आग लगी थी, ये कैसा हुआ? और सब लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का रुख अभी थम गया है, कोई आवाज़ वहां से नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक शो करने के लिए आग लगा दी है। देखिए यहाँ पे भी लगी थी आग, क्या कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से घर बना हुआ है, घर बनाने वाला अहमियत जाने क्या ऐसे कर सके? ये उनकी सोच है, उनकी विचारधारा जो ऐसे षड्यंत्र दिन रात रचते रहे में, ये उनकी विचारधारा यहाँ भी लगी थी। तो फिर एक बात बताओ, जो बड़े बड़े सरकारी ठिकानों में लग जाते तो क्या ये लगवाते हैं बीमे पाने के लिए? इतना बीमा मिलेगा ज़्यादा मिलेगा या हमारा ये लगवा में, तो इनकी विचारधारा ऐसी है ये लगवाते होंगे, तो इसीलिए इनको ये चीज़ महसूस हो रही है। अच्छा आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है टीका उत्सव मनाने का, तो आप क्या? ये तो कुंभ उत्सव मना रहे हैं, आपने देखा जब इतनी फिकर इतनी चिंता कोरोना हो रहा, तो क्या इनको कुंभ उत्सव मनाना चाहिए? कुंभ उत्सव मनाने में वो विश्वास रखे हैं, एक तरफ क्या हमें कोरोना फैल रहा है, एक तरफ कुंभ उत्सव मना रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, कैसी इनकी विचारधारा हमारे समझ में नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। कभी क्या मैं कोरोना है और उन रैलियों को कर करके ये दिखा मैं कि कोरोना ना, पहले अपने आप को समझ ले मैं कि क्या करना है इन्हें। अच्छा बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था, उसके ऊपर वो बोले कि कैसे वो कैसे एक शूटर है, लेकिन उस वीडियो को बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कौन सी वीडियो? वो कुछ आप गाना गा के डांस कर रहे थे कुछ। मैं एक शूटर होने से पहले एक बच्ची भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक परिवार में रहती हूँ, एक बहन भी हूँ, और क्या बोलते हैं एक जिम्मेदार पर्सन भी हूँ। और दूसरी बात, बच्चे हैं हमारे यहाँ तो ब्याह शादी में नाचा कूद देख रहे हैं, बाड़ा कैसी रहे, इनके यहाँ रोते फिरते होंगे। मेरा शौक है, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं घर में नाचूं कूदूं खेलूं कुछ भी करूं। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं वो क्या थी, मंत्री बनने से पहले क्या है ये बताओ ना। अच्छा वो तो सीरियल में काम करती थी ना, फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उनका मन हो क्या, हमने सवाल उठाए नहीं उठाए। कंगना रनौत को सुरक्षा दे दी, वो क्या थी, वो तो इतने बोल्ड सीन दे वही, आपने देखा उनका मन है उनका शरीर है, वो उसका अंग प्रदर्शन करें सुरक्षा से प्रदर्शन करें कैसे भी करें, हम इस पर कौन है टिप्पणी करने वाले, ये लोग कौन है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं बालक हूँ, बालक तैसे नाचा कूद देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे होगा जी ब्याह शादी में, इनके यहाँ रोते होंगे मातम मनाते होंगे, हमारे यहाँ मनाते। सपना चौधरी है बीजेपी की, क्या थी स्पोक पर्सन थी ना शायद सपना चौधरी, जिनके यहाँ मैंने नौकरी कर रखी है, वो क्या है, वो तो आज उसमें होने के बावजूद भी डांस करें, भाई आज भी डांस करती है वो, तो आज भी सो लगा मैं ठीक, तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका घर परिवार उससे चल रहा, मेरे मन की मर्जी, मैं डांस करूँ कुछ करूँ ही ना क्या।